और एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी पर हमला बोल दिया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर राशन घोटाले में फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख के मामले पर ममता बनर्जी पर हमला बोला। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर शाहजहां शेख को संरक्षण देने का आरोप लगाया, अपराधियों को बचाने का भी आरोप लगा है। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि ममता बनर्जी को शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के निर्देश देने चाहिए। हालांकि राज्यपाल ने यह कदम उठा लिया है। राज्यपाल ने कहा है कि हर हाल में गिरफ्तारी होनी चाहिए, डीजीपी से रिपोर्ट भी सौंपने को कहा गया है। आशिका ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। आशिका, इस पूरे मामले को लेकर राजनीति तो गर्म है ही, लेकिन अब इसको लेकर अपडेट क्या है? लुकआउट नोटिस जारी हो गया है, कैसे इस वक्त तलाश की जा रही है? देखिए, ईडी की तरफ से पुलिस को जो है पूरी जानकारी दी गई है ईमेल के द्वारा, डीजीपी को भी ईमेल किया गया है, जो एसपी हैं उनको भी जानकारी दी गई है। फिलहाल शाहजहां शेख कहाँ है ये किसी को नहीं मालूम है। इस बीच जो है ईडी की तरफ से जो लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, संदेह कहीं ना कहीं ये भी है कि हो सकता है शाहजहां शेख बांग्लादेश की तरफ भाग गया हो। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन संदेह ये है। इसको लेकर के भी जांच करने के लिए कहा गया है। उधर राज्यपाल ने बिल्कुल कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कल रात ये कहा है कि जल्द से जल्द पुलिस के अधिकारी उनको रिपोर्ट सौंपें और जो भगोड़ा शाहजहां शेख है उसको गिरफ्तार किया जाए जल्दी से जल्दी। उधर इसे लेकर के सियासत गर्म है। बीजेपी की तरफ से सीधे मांग हो रही है कि राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए पश्चिम बंगाल में, यही मांग। कांग्रेस की तरफ से, राज्य कांग्रेस की तरफ से एक तरफ सीटों के बंटवारे को लेकर के टीएमसी कांग्रेस के बीच में बात हो रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी की तरफ से हमला बोला जाता है टीएमसी पर। टीएमसी लगातार इसे लेकर के आरोप जो है वो विरोधी दलों पर ही, खासतौर बीजेपी पर, ईडी पर ही मर रही है। उनका ये कहना है कि ईडी के लोग जब वहां पर गए उन्होंने उकसाया जो स्थानीय लोग थे, उसके बाद ये घटना हुई। आशिका फिलहाल शुक्रिया, लेकिन आतंकवादियों से संबंध होने का भी शक जाहिर किया जा रहा है और इस एंगल से भी जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। बहुत बड़ा मामला है ये, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी इस वक्त बहुत जरूरी है। राज्यपाल का आदेश आ चुका है। एक और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बताएंगे। दूसरी ओर टीएमसी नेता शाहजहां शेख की मुश्किलें बहुत बढ़ती जा रही है। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख को तुरंत गिरफ्तार करने का निर्देश जारी कर दिया है। राज्यपाल ने पूरे मामले की जांच करने का भी निर्देश दिया है और बताया तो ये गया कि राजभवन को शाहजहां शेख से जुड़ी शिकायतें मिली थी। कुछ पुलिस अधिकारी और नेताओं पर भी शाहजहां शेख से मिली भगत का आरोप इस वक्त लगाया गया है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर सीमा पार करने और आतंकवादियों के साथ संबंध होने के आरोप लग रहे हैं। अब राज्यपाल ने डीजीपी को शाहजहां शेख को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और उससे संबंधित रिपोर्ट देने का निर्देश यहां से जारी कर दिया है। मामले पर सियासत एक तरफ, लेकिन जो सनसनीखेज एंगल है वो ये कि आतंकवादियों से कनेक्शन है, सीमा पार से कनेक्शन है शाहजहां शेख का। टीएमसी नेता शाहजहां शेख की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पहले तो उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया, उसके बाद बंगाल के राज्यपाल ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के निर्देश जारी कर दिए हैं। राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है ना सिर्फ बीजेपी की तरफ से, बल्कि अब ये इतना बड़ा मामला हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने कहा कि हर हाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो बंगाल में। ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया जा सके, तलाश इस वक्त हो रही है। आपको ये भी बताते चलें कि इससे पहले ईडी की टीम पहुंची थी और उसमें बताया गया कि वो अंदर मौजूद थे, लेकिन दरवाजा उन्होंने नहीं खोला। तो पश्चिम बंगाल में ईडी का एक्शन लगातार जारी और इसी बीच सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख की तलाश में लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख ने ईडी से बचने के लिए बांग्लादेश भागने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली क्योंकि भारत बांग्लादेश की सीमा पर तैनात बीएसएफ को शाहजहां शेख के बारे में पहले से ही अलर्ट कर दिया गया था और बांग्लादेश में चुनाव की वजह से बॉर्डर पर पहरेदारी बहुत ज्यादा सख्त है। ऐसे में टीएमसी नेता शाहजहां शेख का बांग्लादेश भागने का पूरा प्लान फेल हो गया। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जिस वक्त ईडी की टीम पहुंची थी घर पर, उस वक्त शाहजहां शेख अपने परिवार के साथ अंदर मौजूद थे, लेकिन जिस तरीके से भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई, जिस तरीके से भीड़ ने ईडी के ऊपर हमला किया, मीडिया कर्मियों के ऊपर हमला किया, अब लगातार टीएमसी नेता की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। इस बीच ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि टीएमसी नेता बांग्लादेश भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां पर पहले से ही बीएसएफ पूरी तरह से अलर्ट पर है क्योंकि पहले ही जानकारी दे दी गई थी। ये बात जो है
जांच एजेंसियों को पता थी कि हो सकता है कि बांग्लादेश भागने की कोशिश टीएमसी नेता की तरफ से की जाए और ईडी के सूत्रों से मिली जानकारी इसीलिए अहम है क्योंकि शाहजहां शेख का घर बांग्लादेश सीमा के काफी करीब है। आरोप तो ये तक लग रहा है कि बांग्लादेश में उनका मकान और काफी संपत्ति भी है। ईडी के सूत्रों ने जानकारी ये भी दी है कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बांग्लादेश भागने की कोशिश की थी, मगर बताया तो ये गया कि सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता की वजह से शाहजहां शेख कामयाब नहीं हो सका। बंगाल के राज्यपाल को शिकायत ये मिली है कि शाहजहां शेख आतंकियों के भी संपर्क में है और इसीलिए राज्यपाल ने बंगाल पुलिस के चीफ को टीएमसी नेता को तुरंत गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए हैं। और इसीलिए माना यह जा रहा है कि जब लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है तो बहुत जल्द अब गिरफ्तारी हो सकती है शाहजहां शेख की। हालांकि जैसा कि हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रही थी कि हो सकता है बांग्लादेश भागने की भी उनकी खबरें सामने आई है और इस वक्त ईडी का मानना है कि शाहजहां और उनका परिवार पश्चिम बंगाल में ही इस वक्त छिपा हुआ है। राशन घोटाले की जांच करने के लिए दो दिन पहले ईडी उत्तर 24 परगना जिले में शाहजहां शेख के घर पर छापा मारने के लिए पहुंची। मगर शाहजहां शेख ईडी के हत्थे नहीं चढ़ पाए थे क्योंकि ईडी पर इलाके के लोगों ने हमला बोल दिया। ईडी ने दावा यह भी किया था कि रेड के दौरान शाहजहां शेख अपने घर के भीतर ही मौजूद थे। उनके मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की गई है और ये लोकेशन घर के अंदर पाई गई थी और इसीलिए ईडी ने स्टेटमेंट दिया है। लेकिन बताया ये भी गया कि वो दरवाजा बंद करके बैठे रहे और बाहर 1000 लोगों की भीड़ ईडी के अधिकारियों पर टूट पड़ी और इस तरीके से हिंसा का फायदा उठाकर शाहजहां शेख भाग निकला वहां से। उनका पूरा परिवार इस वक्त गायब है और उनके घर पर ताला लगा हुआ है, लिहाजा उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है लेकिन घर पर कोई भी मौजूद नहीं है। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, दो दिन पहले बंगाल में ईडी की टीम पर हुए हमले को लेकर सियासत अब चरम पर पहुंच गई है। बीजेपी बंगाल सरकार पर जमकर निशाना साध रही है और इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा दिए और बंगाल को इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश करने का बहुत संगीन आरोप भी यहां पर लगाया गया है। केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो गया है, ममता बनर्जी के राज को खत्म करना होगा, गिरिराज सिंह की तरफ से कहा गया। बंगाल में लोकतंत्र समाप्त हो गया है, बंगाल में संघीय ढांचा समाप्त हो गया है, बंगाल की मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक नहीं हो करके वो डिक्टेटर की भूमिका में है और अपने को समझती है कि ये भारत से कटा हुआ है, ये किम जोंग की तरह ट्रीट करती है कोरिया के प्रेसिडेंट की तरह। इस्लामिक स्टेट बनाने पर लगी हुई है ममता। बंगाल की कानून व्यवस्था पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। उधर बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने ईडी के बहाने विपक्ष पर हमला बोला और इस बात की आशंका जताई कि बंगाल की तरह बिहार में भी आरजेडी के लोग ईडी पर हमला कर सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही तो उन पर हमला हो रहा है और मुझे तो डर है कि कल बंगाल में हुआ लेकिन बिहार में भी हो सकता है क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल और टीएमसी में कोई फर्क नहीं है और यहाँ पर अगर लालू परिवार पर सीबीआई ईडी कोई कार्रवाई करती है तो उन पर भी हमला हो सकता है। इसलिए सीबीआई ईडी के लोग जब बिहार में कोई कार्रवाई करें तो पूरी तैयारी से करें, पैरामिलिट्री फोर्स लेकर करें।